लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। हमारा शहर प्रोग्राम में दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको ले चलते हैं डिस्ट्रिक्ट पठानकोट में और जानू करवाते हैं इसके इतिहास के बारे में। देश की राजधानी दिल्ली से 480 किलोमीटर की दूरी पर बसा पठानकोट। पठानकोट पंजाब राज्य के सबसे बड़े शहरों में से एक है और ये पठानकोट जिले के मुख्यालय के रूप में कार्य करता है। कांगड़ा और डलहौजी की तलहटी पर स्थित ये शहर हिमालय पर्वत श्रृंखला का प्रवेश द्वार है। सरहदी इलाकों से सटे होने के कारण पठानकोट भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण वायु सेना स्टेशन, सेना गोला बारूद डिपो और दो बख्तरबंद ब्रिगेड इकाइयां हैं। 1849 से पूर्व पठानकोट नूरपुर का एक हिस्सा था। पठानिया वंश द्वारा शासित एक राज्य था। पठानकोट शहर जिसका इतिहास काफी पुराना है, जिसका नाम पैथान से बदलते बदलते पठानकोट बना। पठानकोट में और इसके आसपास कई स्थल हैं जो पठानकोट पर्यटन के भ्रमण का एक हिस्सा है, जैसे कि नूरपुर किला जिसे पठानिया राजपूतों ने 900 साल पहले बनाया था। इसके अलावा शाहपुर कंडी किला, शिव मंदिर कथगढ़ और जुगियाल नगरी पर्यटकों के बीच खासे लोकप्रिय है। पंजाब का पठानकोट एक ऐसा शहर है जहाँ नियमित रूप से चलने वाली ट्रेनों और बसें देश के कई शहरों से जुड़े रखती हैं। पठानकोट में दो रेलवे स्टेशन हैं, एक है पठानकोट और दूसरा है चक्की बैंक। चक्की बैंक रेलवे स्टेशन शहर से केवल 4 किलोमीटर की दूरी पर है और बस स्टैंड शहर और रेलवे स्टेशन के निकट स्थित है, जो पठानकोट को शिमला, नई दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे प्रमुख शहरों से नियमित बसों की सेवा से जोड़ता है और यहाँ हर साल काफी संख्या में सैलानी छुट्टियाँ मनाने और घूमने आते हैं। पब्लिक के लिए बहुत अच्छी है, सस्ता किराया, मतलब कि किराया नाम मात्र किराया है। पब्लिक लिए हिमाचल की पब्लिक लिए खास करके लाइफ लाइन है ट्रेन। इतने हर साल तीर्थ यात्री मतलब कि हजारों की तादाद आते हैं। इतने मतलब कि पंजाब से हिमाचल को आपस में जोड़ती है ट्रेन। पब्लिक लिए तो बहुत अच्छी है यार। ये ट्रेन जी हैगी हिमाचल जोड़ती है, सानू हसीन वादियों की सैर करवाती है। असी पठानकोट लगातार ट्रेन चलाने लई जोर भर रहे हैं क्योंकि ये ट्रेन सानू पूरे ही हिमाचल की सैर करवा रही है और असी एदा आनंद माण रहे हैं जी। जिहड़ा गा इतिहासिक शहर हैगा, इत्थे देखने लई काफ़ी अच्छी अच्छी जगह हैगी है। जिस तरह कि मुक्तेश्वर धाम हैगा जिहड़ा 5500 साल पुराना मंदिर हैगा, पांडवा के टाइम का मंदिर हैगा जिसनों छोटा हरिद्वार भी कहा जाता है। और इतों की जे अं 20 किलोमीटर दूर चल जाइए तो इतने काठगढ़ मंदिर भी हैगा जिहड़ा कि काफ़ी प्राचीन मंदिर हैगा जिथे स्वयंभू प्रगट भोली शंकर जी है, अर्ध शिवजी का शिवलिंग हैगा, अर्ध पार्वती हैगा जिहड़ा कि हूँ तुम जाके देखते हो तो अलग अलग हैगा। शिवरात्रि के टाइम से वो कट्ठे जुड़ जाते हैं, बड़ा भारी मेला लगता, काफ़ी दूरों दूरों लोग आते हैं। और होर भी अटल सेतु ब्रिज हैगा जिन्होंने देखने लिए काफ़ी दूरों दुनिया आती हैगी है, जिहड़ा हवा के पुल बनाया हैगा वा गवर्नमेंट की तरफों। होर भी काफ़ी अच्छी अच्छी जगह है वा पठानकोट के देखने लायक। और ये इकलौता शहर हैगा जिहड़ा कि जे एंड के भी जोड़ता हैगा वा, हिमाचल में भी जोड़ता है जिहड़ा कि साडा सेंटर पॉइंट है पठानकोट जिहड़ा है वा। और ममून आर्मी एरिया जिहड़ा काफ़ी वड्डा एरिया है वा, एशिया का सब तो वड्डा एरिया है वा। पठानकोट अपने इतिहास के लिए काफी जाना जाता है। पठानकोट के इतिहास को लेकर कई इतिहासकारों ने किताबें लिखी हैं। वहीं ऐसे ही एक इतिहासकार बीआर कपूर हैं जिन्होंने पठानकोट के इतिहास पर एक किताब पठानिया राजवंश का इतिहास लिखी है, जिसमें पठानकोट के इतिहास से लेकर कैसे ब्रिटिश शासन के बाद ये शहर बसा, शहर की सभी विशेषताओं के बारे में हमारी टीम ने इतिहासकार बीआर कपूर से खास बातचीत की और पठानकोट के इतिहास और शहर की विशेषताओं के बारे में जाना। हैं बी आर कपूर जी, वो हमें जानकारी देंगे कि पठानकोट कैसे बना। हाँ सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और थोड़ी सी जानकारी हमें देंगे कैसे। सर ऐसा है कि आज का वर्तमान पठानकोट एक काफ़ी प्राचीन काल से स्थापित स्थान है और पूर्व काल में इसका नाम प्रतिष्ठान हुआ करता था, जो धीरे धीरे समय के साथ आए तब्दीलियों में भाषा में की तब्दीली के साथ इसका नाम प्रतिष्ठान से पैथान हो गया। प्रतिष्ठान मतलब प्रतिष्ठापूर्वक स्थापित स्थान। ऐसे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस
सभ्यता की प्रतिष्ठा का प्रतीक पठानकोट को माना गया है। और बाद में महाराजा रणजीत सिंह के कब्जे में भी रहा है और पठानिया राजवंश का ओरिजिनल प्लेस जो है वो यही प्रतिष्ठान रदर, बाद में इसका नाम पैथान हुआ और पैथान से इसका जो प्रोनंसिएशन से भाषा में आई तब्दीली के कारण बदलता हुआ था ने ठा का स्वरूप धारण किया और ये पठान लोग कहने लगे इसको कि कुछ पठान इधर आए थे वो उनके कब्जे में रहने के कारण इसका नाम पठानकोट पड़ा। किसी ने कह दिया कि यहाँ उनका कोट रह गया था, ये एक बड़ी वो मुहावरेदार बात लोग सुनाते थे मुझे बाजार में, अब किसी से मैंने बात की जो कि ये एक बहुत ही हास्यजनक बात है। पैथान का मतलब होता है ऊंचा स्थान और ऊंचा स्थान के ऊपर जाकर के आज जिसे शिमला पहाड़ी कहा जाता है ये एक सेंट्रल प्लेस है हमारे शहर का और ये ऊंचाई पर स्थित होने के कारण इसको ये नाम प्राप्त हुआ था। आज का पठानकोट का आकर्षण बनी शिमला पहाड़ी और इस पर प्रथम पठानिया राजा ने किले का निर्माण करवाया था, ये लगभग 1000 साल पूर्व की बात कर रहा हूँ मैं। और उस अपना किले से उन्होंने अपना राज्य स्टार्ट किया था, लेटर स्टेज पर ये शिफ्ट हो करके ये अपना नूरपुर में चले गए। नूरपुर से भी इन्होंने काफ़ी अरसा तक अपनी हुकूमत को चलायमान रखा और बाद में जो अंग्रेज़ जब हिंदुस्तान पे काबिज हुए उसमें पंजाब का एरिया भी उसमें आ गया और उसके बीच में ये नूरपुर और पठानकोट जो है वो ब्रिटिश राज्य में शामिल कर लिया गया। तो किले के इर्द गिर्द बसे महलों में गढ़थोली मल्ला है, काजियाँ मुसलमानों की अदालतें रही हैं यहाँ पर और उनके काजी, तीन काजियों के नाम इतिहास में हमें मिलते हैं और उनके नाम से काजियाँ मोहल्ला भी यहाँ पठानकोट में विद्यमान है। चलिए अब आपको पठानकोट शहर की खासियत और विशेषता के बारे में रूबरू करवाते हैं। पठानकोट से 17 किलोमीटर दूर स्थित रणजीत सागर डैम पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर की सीमा पर है। रणजीत सागर डैम थीन बांध के रूप में भी जाना जाता है, ये देश के उच्चतम मृदा बांधों में से एक है, साथ ही पंजाब का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध है। रणजीत सागर डैम रावी नदी पर स्थित है और इसकी नगरी को शाहपुर कंडी कहा जाता है, जो प्रसिद्ध गुरुद्वारा श्री सिंह सभा का निवास स्थान है। रणजीत सागर डैम पर्यटकों के लिए हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है। रणजीत सागर डैम चारों ओर से पहाड़ों से घिरे हुए है जो इस डैम की सुंदरता में चार चांद लगाता है। रणजीत सागर डैम को देखने के लिए हर साल पर्यटक घूमने फिरने आते हैं। रणजीत सागर डैम परियोजना पंजाब राज्य का सबसे बड़ा डैम माना जाता है और इसे शाहपुर कंडी टाउनशिप भी कहा जाता है। परियोजना के लिए अध्ययन 1953 से शुरू हुआ था और 1980 तक भू तकनीकी अध्ययन जारी रहा, जिसके बाद 1981 में डैम का निर्माण कार्य शुरू हुआ और ये परियोजना साल 2001 में पूरी की गई। ऐतिहासिक शहर है, बड़ा हिस्टोरिकल शहर है, ये टूरिस्ट इलाके ने काफ़ी पॉइंट है कि इतने रणजीत सागर डैम जिदा मुक्तेश्वर धाम और प्रवेश द्वार भी है और धर्मशाला शिमला वगैरह मनाली अगर तुसी जाना हो पठानकोट ही एक प्रवेश द्वार है जितों होकर जाना पेगा तो टूरिस्ट जोड़े जाते हैं शिमला धर्मशाला वगैरह वह फायदा जो पठानकोट के शहर में भी शहर वासियों भी होंगे वो इस करके कि जी दुकाना है वो सारे स्टेशन तो होकर जाने पैदा उन्होंने और छोटा जोड़ा स्टेशन है वह भी इतने है हिस्टोरिकल तो जरा डमटाल दियाँ पहाड़ियाँ हिमाचल का जरा अद्धा जरा मजा है वह पठानकोट वासी भी ला लेंगे। रणजीत सागर डैम के पानी का उपयोग सिंचाई और बिजली उत्पादन दोनों के लिए किया जाता है, जिसके पंजाब के कई गांवों में लोगों को खेती के लिए पानी भी दिया जाता है। रणजीत सागर डैम की 600 मेगावाट की क्षमता है। ये बांध भारत के सबसे ऊंचे पृथ्वी भरे बांधों में से एक है। चलिए आपको अब नूरपुर के किले की विशेषता और खासियत के बारे में बताते हैं। नूरपुर का किला पठानकोट के शारदा नगर से करीब 26 किलोमीटर की दूरी देवभूमि की पहाड़ियों पर बसा ऐतिहासिक किला है, जो अपने अंदर
पठानकोट का स्वर्णिम इतिहास समेटे हुए है। ये किला 10वीं शताब्दी में बनाया गया था। नूरपुर किला पठानिया कबीले ने बनाया था। पठानिया कबीले ने 10वीं शताब्दी के दौरान इस किले पर शासन किया था और ये किला जबर कुंड का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। किले की दीवारों पर 10वीं शताब्दी के चित्रों के निशान उत्तर पश्चिम की ओर पशुओं की नक्काशी की कला है, जो लोगों को काफी आकर्षित करती है। किले के अंदर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, जो बेहद मनमोहक प्रतिमा व साथ में मीरा की मूर्ति है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में अब भी रात को मीरा के घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है। मौजूदा समय में बेशक यह ऐतिहासिक किला निरंतर उपेक्षा के चलते खंडर बनने की ओर अग्रसर है, लेकिन आज भी इस किले को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। ये किला सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस किले का निर्माण राजा बासु के समय में 1580 से लेकर 1613 के मध्य में हुआ था। किले में कई राजाओं ने शासन किया था। पिछले कई सालों पहले कांगड़ा में आए भूकंप से इस किले को काफी नुकसान हुआ था, लेकिन अब भी इस किले की दीवारें और कला शैली के आगे आधुनिक कला शैली नतमस्तक हो जाती है और लोगों को अपनी ओर ये आकर्षित करती है। किले के भीतर कुएं व तालाब भी काफी आकर्षक हैं। यहाँ मौजूद एक तालाब के बारे में कहा जाता है कि ये सूर्य की लालिमा के साथ अपना रंग बदलता है, जो अब तालाब में पसरी गंदगी के कारण नहीं दिखाई देता। नूरपुर के इस किले में जहांगीर ने भी कुछ समय राज किया था। उस समय जहांगीर की पत्नी नूरजहां भी आया करती थी। इसके बाद स्थान का नाम नूरपुर पड़ा था और स्थान को पहले पहल धमड़ी कहा जाता था। नूरजहां को नूरपुर का किला और इसकी आबो हवा इतनी पसंद आई कि वे इस किले में रहना चाहती थी तथा किले का और निर्माण करवाना चाहती थी, लेकिन स्थानीय लोग और राज्य इसके पक्ष में नहीं थे, जिसके बाद ये किला मुगल गतिविधियों का केंद्र बन गया। मुगलों के बाद इस किले पर 1849 में अंग्रेजी हुक्मरान ने कब्जा किया और किले के साजो सामान उठाकर अन्य स्थानों पर अपने प्रयोग में लेने लगे, जिसके बाद ये किला पूरी तरह खंडर में तब्दील हो गया। फिलहाल ये किला पुरातत्व विभाग के अधीन है। नूरपुर धामड़ी का ये किला पठानकोट तथा नूरपुर का इतिहास अपने अंदर समेटे हुए है। नूरपुर का ये किला ऊंची पहाड़ियों पर बनाया गया है और ये किला सुरक्षा की दृष्टि से बेहद अहम है। किले के अंदर सुरक्षा कर्मियों के पहरा देने का खासा प्रबंध है। किले के चारों ओर दुश्मनों की गतिविधियों पर आसानी से नजर रखी जा सकती है। अंग्रेजी हुकूमत ने काफी साल किले पर डेरा डाले रखा, लेकिन पर्यटन के लिहाज से अभी भी देश विदेश से कई सैलानी इस किले को देखने आते हैं। पठानकोट शहर अपने इतिहास को लेकर काफी प्रचलित है। हमने आपको पठानकोट शहर की विशेषताओं के बारे में बताया, लेकिन आज भी पठानकोट की रौनक कम नहीं हुई है। यहाँ के बाजारों की रौनक, शहर में छोटी छोटी गलियाँ जो शहर की सुंदरता को और बढ़ाती हैं। पंजाब का पठानकोट शहर एक ऐसा शहर है जहाँ नियमित रूप से चलने वाली ट्रेनों और बसें देश के कई शहरों से जोड़े रखती हैं। पठानकोट की सीमा देवभूमि, हिमाचल प्रदेश, शिमला, पाकिस्तान समेत कई देशों से लगती है और यहाँ पर कई सैलानी हिमाचल जाते समय पठानकोट के रास्ते जाते हैं। साल 2011 में जिला बनाने के बाद पठानकोट ने कई क्षेत्रों में अच्छी प्रगति की है। साल 2018 में एक अंतर जनपदीय मूल्यांकन में यहाँ के जिला अस्पतालों को दूसरे जिलों के अस्पतालों में अव्वल आंका गया था। पठानकोट में स्वच्छ भारत अभियान के तहत घर घर जाकर कचरा उठाना, स्कूलों में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगाने जैसे तमाम क्षेत्रों में विकास हुआ है। शहर में मेक इन पंजाब के जरिए कई सहायता समूहों को उत्पाद वेब ऐप से प्रदर्शित करने में मदद जैसे कदम भी उठाए गए हैं। पेप्सिको का बीवरेज प्लांट पठानकोट के युवाओं और स्थानीय लोगों को 4000 से ज्यादा नौकरियां दे रहा है। डी खासियत है जीडीपी आम जनता वास्ते गवर्नमेंट ने एक रेलवे ट्रैक बनाया सी, वो सिर्फ टूरिस्ट वास्ते बनाया सी। उहदे च हुण टूरिस्ट जान भावे कोई जरूरतमंद यात्री भी जांदा है तो उस ट्रेन दे विच समझो जिहड़ा सफर कर लैंदा उह समझो जन्नत घूम के आ गया, क्योंकि उन्हें शुद्ध वातावरण, पहाड़ियाँ, झरने, इन्नी वधिया सीनरी जिहड़ी कि सस्ते रेटां दे लोकां देख सकदे आ घट पैसे नाल। दूसरा इत्थों पठानकोट दे विचों इह है कि साडा इक इहो जिहा शहर है जिथे भावें हरिमंदर साहब, चाहे वैष्णो देवी, चाहे अमरनाथ, चाहे कोई हिल स्टेशन डलहौजी, मैकलोडगंज जाना चाहुंदा है तो साडे पठानकोट विचों ही उहदे चरण पैंदे। असीं बड़े धन्नवादी हाँ जिन्हें पठानकोट नूं बनाया सी
ਤੇ ਹਰ ਯਾਤਰੀ ਦਾ ਚਰਨ ਸਾਡੇ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਲੁਤਫ ਉਠਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਗਾਈ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਫੋਰਨਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਲੀ ਆ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਘੁੰਮਣ, ਤੁਸੀਂ ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਔਰ ਬਰਫੀਲੇ ਪਹਾੜ ਦੇਖਣੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਮੰਦਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਰਨਾਥ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਣੀਮਹਿਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਹੀ ਡਲਹੌਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਹੀ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਹੀ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੌਂਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਐਂਡ ਕੇ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਿਮਾਚਲ, ਜੇ ਐਂਡ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਧਾਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸਰਾ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਸ਼ਨੀ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਜੇ ਐਂਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਕੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ 6,28,154, ਕੁਲ ਕਿਤਨੇ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਮੇ ਫੈਲਾ ਹੁਆ ਹੈ, 929 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ। 1849 ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂਰਪੁਰ ਕਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਥਾ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੇ ਅਵਲ ਸਥਾਨ ਪਰ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਸੀਮਾ ਸੇ ਲਗਤੀ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਕੀ ਸੀਮਾ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੇ ਲੇਕਰ ਹਮਨੇ ਆਪਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਕੇ ਵਿਕਾਸ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੇ ਲੇਕਰ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ੋ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਬਤਾਇਆ। ਵਹੀਂ ਹਮਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਓ ਸੇ ਖਾਸ ਬਾਤਚੀਤ ਕੀ ਔਰ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕਿਆ ਕੁਛ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਏ, ਕਿਆ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਮੇ ਖਾਸ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹੋਂਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਕੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੇ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਕੈਸੇ ਬਣਾ, ਇਸ ਕੀ ਕਿਆ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਿਆ ਯਹਾਂ ਪਰ ਦੇਖਨੇ ਵਾਲਾ ਥਾ, ਕੌਨ ਸੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਸ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੇ ਰਾਜ ਕੀਆ ਹੈ। ਸਥਾਨੀ ਲੋਕੋਂ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਉਨਕਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਮੇ ਆਖਿਰ ਕਿਆ ਖਾਸ ਹੈ, ਜਿਸਕੋ ਦੇਖਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਸੇ ਆਤੇ ਹੈ, ਸੈਲਾਨੀ ਜੋ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸੇ ਹੋਕਰ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਸਥਾਨੀ ਲੋਕੋਂ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ? ਸਰ ਵਰੁਣ। ਵਰੁਣ ਜੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਕੀ ਕਿਆ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ? ਕਿਆ ਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਸੇ ਅਗਰ ਜੋ ਤੀਨ ਸਟੇਟੋ ਕੋ ਜੋੜਤਾ ਹੈ, ਜੰਮੂ, ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਕੋ, ਹਿਮਾਚਲ ਸੇ। ਔਰ ਸਾਥ ਮੇ ਯਹਾਂ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੀ ਨੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਪੇ ਜਾਣਾ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਜੰਮੂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਣਾ, ਤੋ ਉਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸੇ ਹੋਤੇ ਹੋਏ ਉਹ ਜਾਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਥ ਮੇ ਯਹਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਕੀ ਜੋ ਨੈਰੋ ਗੇਜ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕੋ ਕੋ ਪਹਾੜੋ ਕਾ ਲੁਤਫ ਉਠਾਤੇ ਕਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਲੇਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਤ ਮੇ। ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਬਾਤ ਕਰੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸੇ, ਤੋ ਪਠਾਨਕੋਟ ਮੇ ਕਿਆ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ੇ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਸੇ ਦੇਖਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਅਗਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਮੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਥ ਮੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪੜਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਐਂਡ ਕੇ ਪੜਤਾ ਔਰ ਸੈਲਾਨੀ ਯਹਾਂ ਸੇ ਹੋਕਰ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਤੋ ਕਿਆ ਐਸੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਮੇ ਜੋ ਲੋਕ ਯਹਾਂ ਪਰ ਉਸੇ ਦੇਖੇ? ਸਰ, ਯਹਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਮੁਕੇਸਰਾ ਧਾਮ ਹੈ, ਜੋ 5500 ਸਾਲ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਹਾੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੋ ਯਹਾਂ ਪਰ ਲੋਕ ਦੇਖਨੇ ਆਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਥ ਸਾਥ ਮੇ ਯਹਾਂ ਪਰ ਏਸ਼ੀਆ ਕਾ ਦੂਸਰਾ ਸਭਸੇ ਜੋ ਮਿਲਟਰੀ ਕਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਆਰਮੀ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਜੋ ਹੈ ਕਰਵਾਇਆ, ਔਰ ਬੀਚ ਮੇਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਬਸਾ ਹੁਆ ਹੈ। ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਕੁਛ ਔਰ ਵੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ, ਉਨਸੇ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਕੀ ਕਿਆ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ, ਕਿਆ ਨਾਮ ਆਪਕਾ? ਸਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰੀਸ਼ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ, ਕਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਆਪ ਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਕੋ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਤਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਹਮਾਰਾ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜੇ ਅਰਧ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਇਸਕੋ ਕਹਾ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਧਾਰ ਖੇਤਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਆਪ ਦੇਖਨੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਜੋ ਪਠਾਨਕੋਟ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਆਤਾ ਹੈ, ਤੋ ਝੀਲ ਹੈ, ਅਰਜੀ ਸਾਗਰ ਬਾਂਧ ਹੈ, ਦੇਖਨੇ ਕੇ ਲਾਇਕ ਹੈ ਵਹਾਂ ਪੇ। ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਆਪ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਲੇ ਵਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਪਰਕੰਡੀ ਮੇ, ਬਾਬਾ ਸਿੱਧਨਾਥ ਕੀ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਜੈਸਾ ਕਿ ਵਰੁਣ ਜੀ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਹੈ ਅਭੀ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਜੋ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੱਬ ਹੈ, ਟੂਰਿਸਟ ਹੱਬ ਵੀ ਹੈ ਜੇ, ਤੋ ਜਿਸਕੋ ਦੇਖਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਸੈਲਾਨੀ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆਤੇ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਗਰ ਦੇਖਾ ਜਾਏ ਤੋ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਨਹਿਰੇ ਨਿਕਾਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਧੋਪੁਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖ ਲੀਜੀਏ ਆਪ,
वहाँ भी सैलानी जाते हैं, मज़ा लेते हैं, नहाते हैं, खेलते हैं पानी के साथ। तो ये पठानकोट की विशेषता ही है जो पठानकोट को अलग बनाती है। और सबसे बड़ी पठानकोट की खासियत मैं बताना चाहूँगा शहरवासियों को कि यहाँ पे कभी भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। कोई भी समाज, हर समाज वर्ग के लोग यहाँ पे रहते हैं और सभी मिलजुल के रहते हैं, यही पठानकोट की विशेषता है। वैसे तो अपने शहर को हर कोई जानता है, लेकिन आज आपने हमारे नजरिए से देखा, समझा और जाना अपने शहर फिरोजपुर को, जो न केवल इतिहास के लिए जाना जाता है बल्कि यहाँ कई ऐसी चीजें भी दिखती हैं जो आपने अब तक नहीं देखी होंगी, जो आप जरूर देखना चाहेंगे। हमारा शहर पठानकोट, जिसमें हमने इसके इतिहास से लेकर, इसके नाम के इतिहास से लेकर आपको पठानकोट की पहाड़ियों की वादियों और रणजीत सागर डैम के बारे में भी बताया। इसके अलावा ऐतिहासिक ट्रेन जो कि हिमाचल की ओर जाती है उसके बारे में भी बात की। अब हमारी कोशिश है कि हम हर शहर से आपके लिए कुछ नया लेकर आएं, आपको अलग अलग शहर की जानकारी दें ताकि आप जान सकें कि हमारे शहर में क्या है। मुकेश सैनी, जनता टीवी, पठानकोट। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।